हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पापा आपकी जो इच्छा थी वो मैं बनकर दिखाऊंगा। माँ बाप को खोया और अब अंकित ने हासिल किए 98%। रिजल्ट देखते ही अंकित के बड़े पापा नहीं रोक पाए अपने आंसू। नागानी उपखंड सहित पूरे राजस्थान में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। नतीजा आते ही अनादरा के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करने वाले अंकित प्रजापत डबानी के बड़े पापा अपने आंसू नहीं रोक पाए। खुशी के आंसू देखकर उन्हें उनके छोटे भाई की याद आ गई। अंकित के पापा को पूरी उम्मीद थी कि वो 10वीं परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि आने वाले समय में अंकित के माँ बाप का उसके ऊपर से साया ही उठ जाएगा और उसके बाद अंकित सितारा बनकर चमकेगा। अंकित के बड़े पापा भेरा राम का कहना है कि अंकित के माता पिता की मौत का समय उनके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा था और सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन अपने परिवार के सपोर्ट के चलते उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। अंकित अपने मृत माता पिता के सपनों को पूरा करने की तमन्ना दिल में रखे हुए 10वीं बोर्ड में 98% लाने के बाद अब आगे की तैयारियों में जुट गया है। अंकित ने माता पिता को खोने के बाद भी किया संघर्ष। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद जब अंकित के बड़े पापा ने संघर्ष भरी दास्तान के बारे में जाना तो बताया कि वो किसान होने के नाते दिन भर मजदूरी करते थे। अंकित के पढ़ाई के लगन को देखते हुए उन्होंने सरकारी स्कूल की जगह उसे निजी स्कूल में प्रवेश दिलाया और उसे पढ़ाया। अंकित ने बताया कि अपने माँ बाप को खोने के बाद उस समय उसे लगा कि उसका जीवन ही खत्म हो गया है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन उसके बड़े पापा भलाराम ने उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और वो उसके इन भरोसे को लेकर संघर्ष करके 98% उसने 10वीं बोर्ड में हासिल किए। अनादरा के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करने वाले अंकित ने बताया कि 10वीं बोर्ड की तैयारी को लेकर उसने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक मन लगाकर पढ़ाई, जिसके लिए उसने उसके परिवार के साथ ही स्कूल प्रशासन व गुरुजनों ने भी प्रेरित किया और उन्हीं की बदौलत वो 98% हासिल कर सका। वहीं अंकित का अब आगे डॉक्टर बनने का सपना है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करके जीवन के लक्ष्य में सफलता हासिल करना चाहता है। खेती में हाथ बटाने के बाद भी 7 से 8 घंटे तक मन लगाकर अंकित ने पढ़ाई की। अंकित का अब आगे डॉक्टर बनने का सपना है, उसके लिए वो अब कड़ी मेहनत करके जीवन के लक्ष्य में सफलता हासिल करना चाहता है। अंकित अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बड़े पापा के साथ खेती के काम में भी हाथ बटाता है। इसके बाद भी उसने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जागरूक टीवी के लिए नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।